ये तो ये हमारा दानिश भाई है ना, ये हमारे दानिश हाँ तभी याद रहेगा। तो दानिश भाई अपना वजन करते हुए चढ़ेंगे, मेरा भाई दिखाते हैं आपको लाइव, बहुत कम लोगों को पता चलता है। पर लिखा हुआ है आप जहाँ पर आपको दवा वगैरह लेना है, देखिए ये वाला जो है अंदर में आपको दवा मिल जाएगा, इसी के अंदर में सामने जो टेबल रखा हुआ है यहीं पर। व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है, मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स प्लस और हमारा व्लॉगिंग चैनल है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आज, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये है दोस्तों मानगो ब्रिज, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। सुबह के दोस्तों 6:30 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। आज हमें जाना है दोस्तों हल्दी पोखर और वहाँ पर एक वैद्य जी है जो काफ़ी फेमस है और वहाँ पर जाना है। हमारे दानिश भाई का कुछ इलाज वगैरह चल रहा है, लेकिन आप लोग भी किसी भी बीमारी की वजह से वहाँ पर जा सकते हैं। वैसे कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हमें मेन जाना है दोस्तों, अभी बकरीद का टाइम है और हमें जाना है खस्सी वगैरह लेने के लिए। तो वो दोस्तों हल्दी पोखर में क्या होता है कि सैटरडे का दिन काफ़ी बड़ी दोस्तों मार्केट लगती है और काफ़ी सस्ते में दोस्तों वहाँ पर खस्सी वगैरह मिल जाती है, बकरी मिल जाती है, भेड़ मिल जाती है, मुर्गी वगैरह भी मिल जाती है। तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत ही सस्ते में मिलता है, तो हम वहीं जा रहे हैं और ये वाला रास्ता तो आप पहचानते हैं दोस्तों, ये MGS है, MGM के तरफ से हमने कट दिया है और बाराद्वारी की तरफ से दोस्तों हम जाने वाले हैं स्टेशन के तरफ, क्योंकि दोस्तों हमें जाना है हल्दी पोखर हाता। तो दोस्तों इस तरह से हम घूम गए हैं और यहाँ पर दोस्तों मतलब हल्दी पोखर की बात किया जाए तो वहाँ पर दोस्तों बहुत ही छोटी मार्केट लगती है, लेकिन बहुत ही सस्ते में आपको सामान वगैरह मिल जाएगा। तरह तरह का दोस्तों सामान वगैरह आप वहाँ पर ख़रीद सकते हैं बहुत ही सस्ते में, चाहे कपड़ा वगैरह हो या फिर दोस्तों किसी तरह का हो। तो पूरा मार्केट आपको दिखाएंगे और एक एक चीज़ दोस्तों आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों टेक बॉक्स जो हमारा मेन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में और डायरेक्ट मिलते हैं दोस्तों आपको स्टेशन के तरफ, ताकि दोस्तों आपको सब कुछ पता चलिए। तो चलिए चलते रहते हैं साथ में और हल्दी पोखर का भी आपको नज़ारा देंगे, रास्ता में एक से एक काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत दोस्तों वादियाँ पार होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो दोस्तों ये वाला रोड आपको पहचानते हैं, अगर नहीं पहचानते दोस्तों तो ये होता है स्टेशन वाला रोड, जो दोस्तों हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और अभी दोस्तों पहुंचने वाले हैं। हम अभी बर्मा माइंस के अंदर है दोस्तों और यहां से जैसे ही मोड़ेंगे दोस्तों तो ये पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद दोस्तों हम स्टेशन की तरफ चल जाएँगे जो है टाटा स्टेशन। तो टाटा स्टेशन की दोस्तों बहुत सारी खूबियाँ हैं, 5 से 6 प्लेटफॉर्म है और बगल में सरिता टारगेट जहाँ पर बहुत लोगों का अरमान पूरा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों टिकट काउंटर है एक नॉर्मल वाला जो दोस्तों इधर पर ही है, वहां से भी आप टिकट ले सकते हैं। और नीचे दोस्तों हमारे नीचे जो है ट्रेन गुजरती है, आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन दोस्तों नहीं दिखेगा। तो यहां पर दोस्तों होता क्या है कि यहां से एक रोड था लेकिन ये अभी बंद है जब से कोविड हुआ, और यहां पर दोस्तों काफी जबरदस्त टाइप की सब्जियां वगैरह मिलती है जो आप ले सकते हैं दोस्तों। थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए चल रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो दोस्तों। तो यहां से होता क्या है कि अगर सीधा निकल जाएंगे तो बिष्टुपुर और इधर घूम जाएंगे तो दोस्तों स्टेशन हमें मिलेगा। स्टेशन की तरफ दोस्तों हम बढ़ रहे हैं और टाटा स्टेशन आप लोगों को पता है कि बहुत ही साफ़ सुथरा और क्लीन है दोस्तों, हर तरह का ट्रेन आपको यहां पर मिल जाएगा, चाहे वो राजधानी हो या लोकल हो, हर तरह का मिल जाएगा दोस्तों। और ये रहा मेन गेट, यहां से आप जा सकते हैं सीधा एकदम, और यहां से दोस्तों मुड़ के इधर से चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों अब हम करंडी की तरफ घुस रहे हैं और एक दोस्तों लियॉट में यहाँ पर ट्रेन रुका हुआ है और हमारे दोस्त गुलाम भाई भी रुके हुए थे पीछे,
तो चलिए दोस्तों, हम करंडी की तरफ चल दिए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको सामने में दोस्तों देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी के मौसम में काफ़ी हल्की सी ठंड वगैरह आपको महसूस होगी। और यहाँ पर मुड़ने के बाद दोस्तों ये करंडी वाला रोड जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बीच के मतलब रोड के बीचों बीच पेड़ पौधा भी आपको देखने को मिलेगा, उसको भी दोस्तों काटने का यहाँ पर हिसाब किताब नहीं किया गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और हम दोस्तों अभी चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, तो चलिए थोड़े से आगे जाते हैं और फिर हम आपसे बात करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं आधा डेस्टिनेशन और हमने फाटक पार कर लिया है। और यहाँ से दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि 14 किलोमीटर है हाथा दोस्तों, तो ज़्यादा दूर नहीं बचा है। लेकिन आप रास्ते की वादियाँ देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। और ये जो रोड है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खाली रहता है रोड दोस्तों, क्योंकि यहाँ इस लाइन में ज़्यादातर दोस्तों नवामुंडी और गुरमाही सनी के लिए और हल्दी पोखर रायरंगपुर के लिए ही दोस्तों यहाँ पर बस वगैरह चलती है, जो काफ़ी कम तादाद में है, ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर से क्या होता है कि ज़्यादा आपको भीड़ भड़क का ये वाला रोड पे देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों बहुत ही आसानी से हम आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर चल रहे हैं। और यहाँ पर रास्ते में आपको हर तरह की दुकानें वगैरह, थोड़ी थोड़ी दुकान में पानी वगैरह, होटल वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। आपके नशा का भी दोस्तों ख्याल रखा गया है यहाँ पर, मगर नशा करना हानिकारक है दोस्तों, थोड़ा सोच समझ के करिए और अपना ध्यान रख के करिए। तो यहाँ पर से दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत, और हम दानिश भाई के स्प्लेंडर में है। और ये रहा दोस्तों एक पहला दोस्तों, लोग पता नहीं कहां से बीच रोड में आ जाते हैं, लेकिन ये जो बस जा रहा है ये अभी जा रहा है गुरमाही सनी दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं नीचे में पीछे में रायरंगपुर लिखा हुआ है, जो दोस्तों हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो इस तरह का कुछ है। और घर वगैरह आप देख सकते हैं, जो दोस्तों आपकी पुरानी यादों को ताज़ा कर देगा बहुत ही बखूब। और दोस्तों हम चल रहे हैं यहाँ पर, स्कूटर वगैरह से भी लोग जाना जाना करते हैं, बच्चे जा रहे हैं स्कूल वगैरह। और बहुत ही खुशगवार मौसम है दोस्तों, मौसम का आप मज़ा लेते रहिए, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पर। और कोई भी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये रोड आप देखिए दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त आपको लगेगा। तो एक भाई ने कट मार के निकल चुका है, और इसको बोलते हैं दोस्तों गोल पहाड़ी, ऐसा बोला जाता है। और दोस्तों देख सकते हैं वादियाँ काफ़ी खूबसूरत है, पूरे के पूरे बादल घिरा हुआ है दोस्तों। और हम चल रहे हैं जिस हिसाब से, वो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे तो जमशेदपुर से हाथा का जो दूरी है दोस्तों 27 किलोमीटर है, लेकिन आप दोस्तों अगर गाड़ी अच्छे 60-70 के स्पीड में अगर चला के जाएंगे तो दोस्तों आधा घंटे से कम वक्त में आप पहुंच जाएंगे। वैसे हमें दोस्तों लग गया 35 मिनट पूरा का पूरा पहुंचने में, लेकिन दोस्तों क्या है कि बीच बीच में हमने रुका भी है, थोड़ा इधर उधर भी हुआ है। और दोस्तों आप देख सकते हैं बम्पर वगैरह भी है रास्ते में, तो थोड़ा आप सोच समझ के चलिएगा। लेकिन आप यहाँ पर वादियाँ देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त वादियों के का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत सा दोस्तों ये जो सीन आपको दिखता होगा पहाड़ों का, वादियों का, काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। तो चलिए हम दोस्तों आगे मिलते हैं आपसे। तो अभी दोस्तों आ चुका है दूसरा फाटक, मतलब पहला फाटक तो पार हुआ था, ये दूसरा फाटक है। और लाल कपड़ा इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये टाटा बादाम पहाड़ वाला दोस्तों रेलवे लाइन है, जहाँ से दोस्तों हम मतलब गुरमाही सनी की तरफ जाते हैं और बादाम पहाड़ रायरंगपुर की तरफ जाते हैं, तो इधर ही से जाते हैं। और ये भी रोड दोस्तों हमें वहीं पहुँचाएगा। तो हमारे सहयोगी जो है पीछे से आते आते थोड़ा रुक गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो कितने देर में पहुँचते हैं। वैसे दोस्तों रोड आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप खड़ा होकर फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ पर एक भाई जो है साइड से हमारे बहुत काफ़ी स्पीड में निकल गए हैं गाड़ी लेकर, पता नहीं उनको दुनिया के बाहर जाना है या कहाँ जाना है। लेकिन दोस्तों इस तरह का कुछ माहौल रहता है यहाँ पर, लेकिन आप आराम से यहाँ पर राइड कर सकते हैं। 40-50 के भी स्पीड में अगर गाड़ी चलाएंगे तो कोई पीछे का हॉर्न देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कट मारने वाला है, आराम से कट मार कर दोस्तों आगे निकल जाते हैं। और हमारे गुलाम भाई जो है देख सकते हैं आगे में काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं, वो जो है हमारा स्कूटी है, लेकिन कोई घर नहीं पहुँचेगा नंबर देख के। तो ये दोस्तों हमारे गुलाम भाई अभी पीछे हो गए हमसे, और हम दोस्तों निकल गए आगे। तो इसी तरह से दोस्तों लोग हमें कट मारते हैं, हम लोगों को कट मारते हैं,
और हम स्प्लेंडर में हैं तो तेल वगैरह का टेंशन नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त माइलेज रहता है। तो दोस्तों आप नज़ारा देखिए और हम बात करते हैं आगे आपसे, फिर मिलते हैं। चल चल पहले कर लेता है काम कर लेना, अबे रहने देना करा लेना। इधर से आप उधर चल जाएंगे नवा मंडी की ओर और यहाँ से अभी हम लोग कहाँ तक आएंगे, हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं। और ये हल्दी पोखर बहुत किया है, ये अभी अभी नई नई सड़कें ये वाला बनी है, कुछ दिन पहले हम यहाँ पर आए थे तो ये बन रही थी लेकिन अभी बन चुकी है। आप कभी भी हल्दी पोखर आए तो सैटरडे को आए, आगे आपको मार्केट भी दिखाएंगे। गुलाम का इशारा दे रहे हैं, बस 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 तो यहीं से घुसना अंदर और ये घर देखिए बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से टर्निंग है, बर्निंग ट्रेन और टर्निंग ट्रेन। गुलाम सीधा जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन की ओर, आयुर्वेदिक डॉक्टर है यहाँ पर, काफ़ी प्रसिद्ध बोला जाता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन आपको दुरमाही सनी और बादाम पहाड़ रैरंगपुर लेके जाएगी। और यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल है यहाँ पर, और ये भी हम लोग उड़ीसा के बॉर्डर पे, झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का रोड बहुत कम ही देखने को मिलता है। हाँ, और यहाँ पर हम लोग एक टर्न लेंगे और अंदर जाएंगे। तो ये है टर्निंग, देख लीजिए बीच से खोपचा खोपचा रास्ता से आपको जाना होगा, क्योंकि वैद्य जी जो है हमारे पैसा तो बहुत है उनके पास। बे कहाँ आ गया बे? आ गया, चल चाचा। काफी खूबसूरत सा माहौल, घने जंगल के किनारे जो आपको शहर में नहीं मिलेगी। आसमान देखिए काफी साफ, काफी चहल पहल, काफी खूबसूरत नजारा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इधर 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 आप देख लीजिए, काफी जबरदस्त ये है स्टेशन रोड, यहाँ सब स्टेशन जाएंगे। और ये जो है वैद्य के तरफ जाता है रोड, अभी आपको स्टेशन भी दिखाएंगे लेकिन पहले नंबर लगाना जरूरी है मेरा भाई, क्योंकि गुरु भाई बोले थे नंबर पहले लगाना है मेरा भाई। आप देख सकते हैं काफ़ी गली कोचे थे, यहाँ पर दोनों तरफ तालाब है, अगर आपको
टॉयलेट वगैरह की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आ सकते हैं। छोटी छोटी यहाँ पर दिन का टाइम में देखेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। मिस्टर गुल्लू भाई आ रहे पीछे से, आप देख लीजिए हम एकदम जबरदस्त गांव में घुसे हुए हैं। जबरदस्त गांव का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, रास्ता आप नाप लीजिए। तो हम लगभग पहुंच चुके हैं यहीं से घुसना है मेरा भाई। यहाँ पर वाइस जी का सर ये वाला सामने में वाइस जी का सर देख लीजिए बंदूक ली है मेरा भाई। आगे 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 तो दानिश भाई अपना वजन करते हुए, दानिश भाई वजन कर रहे हैं और क्या कर माप रहे पता नहीं। तो दानिश भाई पूरा मिला रहे हैं एकदम जीरो जीरो हो गया उसके बाद। तो चलिए दानिश भाई छोड़िए। तो दानिश भाई का भी वजन है 55। गुलाम भाई चढ़ रहे हैं, यह है गुलाम भाई हमारे। गुलाम भाई जो अभी गाड़ी चला रहे थे। तो गुलाम भाई का कितना है जी? 72। चलिए अब हम चढ़ेंगे मेरा भाई, दिखाते हैं आपको लाइव। बहुत कम लोगों को पता चलता है। अबे 64 है तो ये हमारे दानिश भाई। हाँ हाँ बाबा गल में चलना। ये हमारे दानिश भाई हाँ तभी हाजिर रहेगा। हाँ तो ये हमारे वैद्य जी का घर, यहाँ पर आके आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है आप जहाँ पर आपको दवा वगैरह लेना है, देखिए ये वाला जो है अंदर में आपको दवा मिल जाएगा, इसी के अंदर में सामने जो टेबल रखा हुआ है यहीं पर आपको दवा मिलेगा। देखिए यहीं पर दवा मिल जाएगा आपको। यहाँ पर सर नंबर लगा सकते हैं जैसा हमने अभी लगाया, वहाँ पर बुक रखी हुई है। चल घुमा घुमा गाड़ी घुमा। जिसको जाना है तो बोल दे रहा। चल तो यहाँ पर से आपको अजीना मोटो ये सब नदरक मिल जाएगा। हाँ क्या भाई? हाँ तो ये वाला जो है देख लीजिए, यही वाला खिड़की यही वाला दरवाज़ा यहीं पर आपको मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों अब हम वापस चल रहे हैं। तो देखिए जहाँ से हमने घुसा था ना, मेन रोड से अंदर घुसे थे, वहीं से हम जा रहे हैं दोस्तों। और निकल के दोस्तों अब हम जाएंगे बायां हाथ के तरफ। तो बायां हाथ के तरफ जैसे ही जाएंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा हल्दी पोखर। तो चलिए आगे का दोस्तों जर्नी हम दिखाते हैं आपको, हल्दी पोखर का कैसा रहता है, क्या क्या मिलता है। तो अब दोस्तों इधर हम जैसे ही घूमें तो ये हल्दी पोखर रोड। अभी हम लोग हल्दी पोखर के तरफ जा रहे हैं, यहाँ से बस निकल के वही सीधा रोड हल्दी पोखर आपको मिल जाएगा 1 किलोमीटर के एरिया में। आप देख सकते हैं टाटा बादाम पहाड़ रेलवे लाइन बगल से आपको दिखता होगा। हल्दी पोखर स्टेशन, तो ये है हल्दी पोखर स्टेशन। अभी बिल्डअप हो रही है यहाँ पर, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी। और यहाँ से हल्दी पोखर हम लोग घुस गए हैं, आज सैटरडे है तो देखते हैं मार्केट का क्या नज़ारा है। वैसे हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने क्योंकि भूख काफ़ी ज़ोरों से लगी हुई है और पॉकेट में पैसा नहीं है। हम लोग ATM भी ढूंढ रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ से मार्केट शुरू हो गया, देख सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी ज़बरदस्त बड़ा मार्केट है यहाँ पर दोस्तों। देख सकते हैं गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है, यहाँ पर टोकरी वगैरह मिल रही है, हर तरह का सूप वगैरह मिल रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त। तो हमारे सहयोगी जो है केला ख़रीदने के लिए वहाँ पर निकल लिए हैं, तो हम भी दोस्तों केला ख़रीदने के लिए जाएंगे, क्योंकि केला खाने से कुछ होता है, आप जानते हैं क्या होता है। चलिए, सर्दी वगैरह होता है, कुछ और मत समझिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों, और मार्केट आप देख सकते हैं काफ़ी भरा पूरा मार्केट है, और बहुत ही सस्ता चीपेस्ट मार्केट है इसको दोस्तों, बहुत ही वर्ल्ड चीपेस्ट अगर बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैप वगैरह, छाता वगैरह मिल गया, टी शर्ट वगैरह भी मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर, और भी अलग अलग आइटम जैसे बैग वगैरह हो गया, यहाँ पर गमछा वगैरह हो गया, यहाँ पर कुर्ती वगैरह हो गई, साड़ी वगैरह हो गया, वो सब भी दोस्तों देखने को मिलेगा। तरह तरह के होटल वगैरह पकवान आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं लोग यहाँ पर दोस्तों अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ यूज़ होता है सारा कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो मार्केट है काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट है दोस्तों, देख सकते हैं आप अपने चारों तरफ दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त। देखिए फल वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये भाई साहब पता नहीं हमारे जगह को क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हम तो वीडियो कर रहे थे, लेकिन इनको घुसना ज़रूरी है। खैर हम साइड से निकल जाएंगे आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से दोस्तों यहाँ पर बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, हर तरह का दोस्तों आपको मिलेगा। आम वगैरह का सीज़न है तो आम वगैरह भी मिलेगा, लेकिन अभी तक मुझे दोस्तों बकरीद का आइटम देखने को नहीं मिला, खस्सी वगैरह दोस्तों देखने को नहीं मिला। तो आगे हम चलेंगे, देखेंगे कि किस तरह का माहौल रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन वगैरह भी आपको मिल जाएगा, पीढ़ा वगैरह भी मिल जाएगी प्लास्टिक की, और यहाँ पर दोस्तों लोग काफ़ी आराम से यहाँ पर घूमते फिरते हैं। फल वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी रश दोस्तों अभी आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही जैसे दोस्तों हम आगे जाएंगे तो और भी ज़्यादा रश दोस्तों बढ़ते जाएगा। छोटे छोटे स्मॉल अम्ब्रेले आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोग अपनी ज़रूरतों की जितनी भी सामान है सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर सुबह में हमने नाश्ता किया था दोस्तों, जो कोको कोला लिखा हुआ उसी के जस्ट नीचे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे कि और क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है, तो हो क्या रहा है। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पर रश है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों व्लॉगिंग वगैरह में। लेकिन हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और निकलते जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों और क्या देखने को मिलता है हमें। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मार्केट के ओर, और देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हर कुछ, यहाँ पर पूरे के पूरे मिट्टी का भी दोस्तों सामान देखने को मिलेगा आपको, हर तरह का घड़ा वगैरह, सुराही वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था थोड़ा छोटा सा व्लॉग, और भी दोस्तों एक वीडियो आएगा उसमें सारा डिटेल में दिखाएंगे। और अब हम दोस्तों चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, मतलब घर। तो दोस्तों अभी हम हाथा पहुँचने वाले हैं, हम जा रहे हैं नाश्ता वगैरह करने, कुछ खाएँगे पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो ये वाला कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और जमशेदपुर के आमने सामने का और भी कहीं का वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी दोस्तों ज़रूर बताइए। तो देखिए हाथा इधर से अभी हम नौ मंडी की तरफ घूम रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों एक होटल है, यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त खाना मिलता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और